हूँ कि मैं ये जो यूनिवर्सिटी का मंथन हॉल है उसमें स्वागत करता हूँ, और ये आपके द्वारा ही पहली बार, ये इसका समझ लीजिए कि मंथन हॉल का इनॉग्रेशन भी हो रहा है। ये कोई भी कार्यक्रम पहली बार इस हॉल में हो रहा है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हर बार हमारे हर कार्यक्रम का आप प्रचार प्रसार करते हैं और फार्मर्स तक हमारी बात को ले जाते हैं, और जो शहर के लोग भी हैं, उद्यमी हैं, सभी तक हमारी बातों को आप यहाँ लेके जाते हैं। तो मेरा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेला हमने शुरू किया था, पहले 2 दिन का होता था, फिर इसको 5 दिन का किया था, तो इस साल का ये दूसरा मेला है। और हम इस तरह से मेला करते हैं कि पहला मेला जो है मार्च में हो, जिससे कि खरीफ की जो खेती बाड़ी की जानकारी है, उसके बीज है, प्लांटिंग मटेरियल है, वो किसानों को उपलब्ध हो सकें, तो वो मार्च में हुआ था। और ये रबी किसान मेला है जो 17 से 21 तारीख तक होगा, और इसका आशय ये है कि जो रबी की फसलें हैं, तो हमारे जो उन्नत किस्म के बीज हैं या प्लांटिंग मटेरियल है, वो उसमें उपलब्ध हो सके। और काफ़ी किसान सिर्फ इसी आशय से आते हैं कि उनको बीज मिल जाए, उनको जानकारी फसलों के बारे में मिल जाए, रबी का जैसे ये, और इसी तरह से जो प्लांटिंग मटेरियल है, सिट्रस प्लांट्स हैं, आंवला है, नींबू है, ये इसकी प्लांटिंग मटेरियल मिलेंगे। तो ये 5 दिन का मेला होगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक, और 11:30 बजे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर इसका उद्घाटन करेंगे। और ये मेला, इसकी ख्याति अब काफ़ी दूर तक पहुँच गई है, तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमें जानकारी मिली है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, और कुछ फार्मर्स तो मुझे पता लगा है कि साउथ इंडिया से भी कुछ फार्मर्स आ रहे हैं। तो ये एक इसका द्योतक है कि ये किस तरह से इसकी जो है प्रसिद्धि और लोगों में रुचि बढ़ रही है। हर साल हम नए नए थीम लेके आते हैं, नई नई चीज़ सोचते हैं कि उसमें क्या किया जाए। तो इस बार कुछ आकर्षण जो मेले में हमेशा रहते हैं, जैसे वेजिटेबल की एग्जीबिशन है, फ्रूट्स की एग्जीबिशन है, रूरल स्पोर्ट्स हैं, तो उस रूरल स्पोर्ट्स में कुछ स्पोर्ट्स हमने और उसमें लागू किए हैं, तो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है। एक नई चीज़ पिछली बार भी हमने शुरू की थी कि जो यहाँ की शहरी जनता है उसको कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमने ये किया था कि जो लॉन जो मेंटेन अच्छा करते हैं, सबसे अच्छा करते हैं, उनको हम जो है प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो इसके लिए हमने विशेषज्ञ की टीम बनाई, और पत्र के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उनसे हमने एंट्रीज ली, और हमारी जो विशेषज्ञों की टीम घर घर जाके उसको इवेल्युएट कर रही है, और जो अच्छे लॉन्स मेंटेन होंगे उनको हम प्रोत्साहन देंगे, सम्मानित करेंगे इस मेले के कार्यक्रम में। पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए नहीं, पूरे हमारे सभी के जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह से पानी की कमी होती जा रही है, उसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि जो हमारे तालाब थे, पोखर थी, रिजर्वर्स थे, उनको किस तरह से हम इम्प्रूव करें, वाटर का कंजर्वेशन कैसे करें। तो इसके लिए हमने एक प्रतियोगिता इस बार रखी कि पंचायत लेवल पे जो पंचायत सबसे अच्छे तालाब मेंटेन कर रही होगी, उसकी पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका रख रखाव, सफाई, ये कुछ मापदंड रखे हैं, और हमने एंट्रीज जो है पंचायत के माध्यम से, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे एंट्रीज ली हैं, और हमारी टीम वहाँ पंचायत पंचायत जाके उनको इवेल्युएट कर रही है, उनके वीडियो भी बना रही है। तो इसको भी हमने एक नई पहल शुरू की, जिससे लोगों में यह जागरूकता है, पर्पज यह है कि जागरूकता है। तो जिस पंचायत को इस बार इनाम मिलेगा, 1 या 2 या 3 पंचायत, तो एक मैसेज जाएगा कि दूसरी भी पंचायत जो है ये वाटर बॉडीज का किस तरह से संरक्षण करें, तो एक ये मैसेज दिया है। तीसरा, जो बच्चे हैं स्कूल्स के, उनको, शहरी बच्चों को फसलों के बारे में जानकारी नहीं रहती, क्योंकि एग्रीकल्चर हर व्यक्ति का विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति खाना खाता है, हर व्यक्ति दूध पीता है, और कपड़े लत्ते जो कुछ भी है सब एग्रीकल्चर से आते हैं,
लेकिन बच्चों को जो स्कूल में पब्लिक स्कूल्स में विशेषकर पढ़ते हैं उन्हें खेती बाड़ी की जानकारी नहीं होती, फसलों की जानकारी नहीं होती। तो इस बार हमने डायरेक्टर कॉलेजेस और डायरेक्टर स्कूल्स को यहाँ बुलाया था और उनसे अनुरोध किया था कि आप अपने बच्चों को एजुकेशनल पर्पस से यूनिवर्सिटी के मेले में लाएं तो एक ही छत के नीचे आपको सारी जानकारी बच्चों को मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है कि हर दिन 200 बच्चे स्कूल्स के आएंगे और इसी तरह से कॉलेजेस के भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, जिससे जो मैसेज है, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ एक तो जानकारी, दूसरा इसको प्रोफेशन के रूप में कैसे ले सकते हैं। लोगों को सिर्फ यही पता है कि एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी का काम है, लेकिन आपके माध्यम से और अदरवाइज आल्सो ये जितनी भी साइंसेज हैं, हाइड्रोलॉजी से लेके और आपका क्लाइमेटिक चेंज से लेके, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, सारी की सारी साइंसेज एग्रीकल्चर में आती हैं। तो उनको जब यहाँ आएंगे और देखेंगे तो उनका मन ये भी बन सकता है कि हम इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और एक अच्छी बात हमने ये की है कि जो FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और जम्मू कश्मीर की स्टेट के लिए तो इनकी एक विशेष ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की जोत छोटी है और स्पेशलिटी एग्रीकल्चर का यहाँ बहुत स्कोप है, चाहे वो सैफरन हो, चाहे काला जीरा हो, चाहे आपका लेमन ग्रास हो, चाहे आपका लेवेंडर हो, इस तरह की जो सारी चीज़ें दूसरी जगह नहीं हो सकती वो यहाँ हो सकती हैं। तो पूरा 17 जो FPO हैं इस यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं और पूरे जो जम्मू कश्मीर में 113 FPO बन चुके हैं, तो उनका एक FPO कॉर्नर हमने रखा है। तो उसमें ये जागृति और किसानों में भी आएगी, उद्यमियों में भी आएगी, और विद्यार्थी या जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो भी FPO बना सकते हैं। तो उस FPO में जो हमारे 17 FPO हैं वो अपने उत्पाद भी वहाँ रखेंगे। और पिछली बार हमने एक मेला यहाँ पे लगाया था, दिवाली मेला करके लगाया था, उसमें इतनी डिमांड थी कि जो FPO के प्रोडक्ट थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। फिर जो भी FPO वाले थे उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि हमें ये आइटम चाहिए, उनके एड्रेस पे वो डिलीवर किया गया था। दूसरा एक स्टार्टअप, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोज़गार की सीमित संभावना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब वो स्लोगन उस समय लोगों ने लिया था कि ये स्लोगन है, लेकिन अब उसकी हकीकत, उसकी परिणति ज़मीन पे आ रही है। और जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो एक स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसमें हमारा नाम जो है अग्रणी है। हर जगह हमारे जो छात्र हैं या युवा हैं वो स्टार्टअप अपना शुरू कर चुके हैं। और जब स्टार्टअप की बात आती है तो एग्रीकल्चर में इसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारे ही यूनिवर्सिटी द्वारा करीब 60 स्टार्टअप हमने शुरू किए हैं और 3-4 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जिनको नेशनल स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको अवार्ड दिए गए हैं। तो एक स्टार्टअप का कोना होगा, करीब करीब 250 से 300 स्टॉल्स इसमें लगेंगे। और खासियत यह है कि ये डिपार्टमेंट के भी होंगे, यूनिवर्सिटी के भी होंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के भी होंगे, NGOs के भी होंगे, और बहुत सारे किसानों के FPO के भी होंगे, स्टार्टअप भी होंगे, और बहुत सारे जो उन्नतशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, वो भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध होगा, कुछ डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी होंगी, जैसे अभी लंपी की बात हो रही थी तो एक बहुत बड़ी विविधता यहाँ आई थी, उसके बारे में भी जागरूकता दी जाएगी। और हर दिन किसी न किसी सामयिक विषय पर कार्यशाला होगी। उस कार्यशाला में जैसे हमने रखा है फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, कि हम किस तरह से जो हमारा वेस्ट हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि लॉसेज हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो इस पर एक कार्यशाला होगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर की किस तरह से जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है या और टेक्नोलॉजी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब चीज़ों को एग्रीकल्चर में हम कैसे ला सकते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर पर बात होगी। क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, या धान की कटाई का समय था, कुछ काट के रखा हुआ है, तो इस समय बारिश का समय ये नहीं है, लेकिन जिस तरह से वातावरण में परिवर्तन आ रहा है उसमें किस तरह से खेती को हम उसे बचाएं, तो क्लाइमेट चेंज पे भी उसमें चर्चा होगी। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे स्कीम है गवर्नमेंट की, आत्मनिर्भर भारत है, उसमें बहुत बड़ा एक एलोकेशन किया गया है, लेकिन लोगों को जानकारी उसकी नहीं है, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके बारे में बात होगी। यहाँ फॉडर की बहुत बड़ी समस्या है,
40% डेफिसिट है फॉडर में, तो किस तरह से जो वेस्ट टू वेल्थ किया जाए, जैसे हमारा ये पुआल होता है, स्ट्रॉ होता है धान का, ये कश्मीर में वेस्ट नहीं होता, वो यूज़ हो रहा है और बहुत सी जगह तो इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको जो है यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको कैसे वर्मी कंपोस्ट में लाया जा सकता है, कैसे इसको ट्रीट करके बाई प्रोडक्ट बना के एनिमल फीड में इसको लाया जा सकता है। और आपको पता होगा कि कई बार जो रेट था पुआल इसका, स्ट्रॉ का, गेहूं का जो भूसा था, उसका 16 रुपये तक रेट गया। अब आप देखिए 16 रुपये के रेट का यदि किसान उसको खिलाएगा तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हमने ये किया है कि किस तरह से जो हमारा वेस्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। हम अभी नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ऑर्गेनिक इनपुट की बहुत कमी है। वो इनपुट कहाँ से आएगा? तो इसके लिए भी हमने किस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग को प्रमोट किया जाए, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स को किस तरह से प्रमोट किया जाए, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा होगी। तीसरी चीज़ है ये जो हमारा हनी है, यहाँ की बहुत बड़ी संभावना है, बी कीपिंग की यहाँ बहुत बड़ी संभावना है, उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे किया जाए, और इसमें मेले के माध्यम से कई संस्थाओं के द्वारा हम MOU करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं कि उनके साथ में मिलके हम कैसे काम करेंगे। एक इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर करके संस्था है, वो उनको हमने इनवाइट किया है। तो स्टार्टअप को गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ में मिलके हम कैसे काम कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। एक पद्मश्री फार्मर्स को हमने यहाँ बुलाया है, कुछ ऐसे फार्मर्स जिन्होंने एक इतिहास बनाया है, जैसे एक महिला हैं कृष्णा यादव, अनपढ़ महिला हैं, उन्होंने जैम जेली अचार मुरब्बा वैल्यू एडिशन के जरिए 5-6 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है। अनपढ़ महिला हैं, 1 बीघा जमीन नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें कैसे, तो एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये संभव है, यदि कृष्णा यादव कर सकती है तो आप कर सकते हैं। पूजा शर्मा हैं, एक महिला थी, खेतिहर महिला थी, घास काटना, जानवरों का रखना, आज उसने 50 महिलाओं को जोड़ के मल्टीनेशनल कंपनीज में अपने प्रोडक्ट ज्वार बाजरा इस तरह के सोयाबीन के प्रोडक्ट वो बना रही हैं, वो भी यहाँ पे आ रही हैं। एक रामशरण वर्मा जी हैं जो यूपी में हैं, उनका नाम देश में नहीं विदेश में है, टिशू कल्चर से उन्होंने प्लांटिंग मटेरियल कैसे तैयार किया। एक फिश मैन ऑफ इंडिया सुल्तान सिंह करके हैं, जिन्होंने जो उनके कई स्टूडेंट, मेरे ही 2 स्टूडेंट हैं उनके काम पर PhD किए फिशरी के क्षेत्र में, उनको फिश मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ऐसे फार्मर्स को हमने इसलिए बुलाया है कि वो हमारे किसानों को यहाँ संदेश दे सकें, और बल्कि हमारे स्टूडेंट को भी संदेश दे सकें कि खेती में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसमें जो आप नौकरी करते हैं उससे कई गुना आमदनी हो सकती है। बल्कि हमारे यहाँ के जम्मू और कश्मीर के भी कुछ फार्मर हैं जिन्होंने एक देश में उदाहरण पेश किया है, वो भी अपनी बात इस बीच में रखेंगे। तो इस तरह से दो जो यूनिवर्सिटी ने अभी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, 3 नई फैकल्टी शुरू की हैं, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और तीसरा फैकल्टी ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये यहाँ पर चालू हो गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए, इस साल उनके एडमिशन भी हो गए हैं, बच्चे पढ़ने लगे हैं। इसी तरह से 2 KV के हमारे रामबन और 21 KV के नहीं था, तो 17 तारीख को माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनका शिलान्यास भी वर्चुअल मोड में 2 KV के इसका करेंगे। फिशरीज़ का जैसे जम्मू कश्मीर दोनों में बहुत स्कोप है, तो कश्मीर में तो संस्था है फिशरीज़ का, एक डिपार्टमेंट का पूरी फैकल्टी है, तो हमने इस साल जो फिशरीज़ का भी कोर्स शुरू किया है, सीड टेक्नोलॉजी पे नया कोर्स शुरू किया है, बायोटेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट में अपग्रेडेशन का प्रपोजल है, एग्री बिजनेसमैन का, तो ये सारी नई चीज़ें हमने जो शुरू की हैं उनको भी वहाँ डिपिक्ट किया जाएगा। और रिसर्च के मामले में जैसे एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी की उपलब्धि रही कि पिछले 1.5-2 साल में करीब करीब 21 वेराइटीज़ हमने रिलीज़ की हैं, और कुछ वेराइटी ऐसी हैं जिनकी डिमांड पंजाब और वेस्टर्न यूपी में है, और यही कारण है कि पिछले साल से यहाँ पंजाब के फार्मर, हरियाणा के फार्मर और वेस्टर्न यूपी के फार्मर बीज खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे पीकनट की वेराइटी फर्स्ट टाइम इंडिया में यहाँ से डेवलप हुई, तो ये उपलब्धियाँ भी वहाँ पर जो है हम दिखाएंगे। तो इस तरह से हर क्षेत्र में जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है,
ये सारी जो उपलब्धियां किसानों को वहाँ देखने में मिलेंगी। अभी जैसे ज़मीन यहाँ पे बहुत कम है, 10-12 कैनाल ही ज़मीन है, नेशनल एवरेज की आधी है। तो नई टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, वर्टिकल फार्मिंग पे वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन होंगे, इसी तरह से हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, इन सारी चीज़ों पर नई नई जो चीज़ें हैं उन पर डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो फील्ड विजिट के अंदर जो बी कीपिंग का हमारा प्रोजेक्ट है, मशरूम कल्टीवेशन कैसे किया जाए, इवन मेडिसिनल मशरूम की अब बात हो रही है जो 3-4 लाख रुपए किलो आती है, उसका भी हम जो है विजिट भी कराएंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमारा एक 20 एकड़ का फार्म है, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, तो उनको भी देखने के जो आगंतुक हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी। और ये एक अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी का ही मेला नहीं, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस किया गया है। इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे जो 11 डिपार्टमेंट हैं सरकार के, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ तक कि KVI भी होगा, KVIC होगा, NABARD होगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होगा। तो इसकी सार्थकता ये है कि एक ही छत के नीचे आपको, मान लीजिए जानकारी लेनी है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या सहायता दे सकता है, तो वहाँ पर आप उसको ले सकते हैं। एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया जाएगा, जो अपना शुगर टेस्ट कराना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर टेस्ट कराना चाहते हैं, आई टेस्ट कराना चाहते हैं, तो इस तरह की सुविधा भी वहाँ पर दी जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी हमारे किसान भाई आएंगे, उद्यमी आएंगे, उनके लिए ये बहुत ही हितकर होगा, लाभकारी होगा, और आपका सहयोग चाहते हैं। जैसे बच्चों का पहले मेले जब लगते थे तो बच्चों के लिए कुछ नहीं होता था, तो किसान ही आते थे, वो कहते थे शहरी लोग हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उनके लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जो यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं और संस्थाओं के प्रोडक्ट हैं, यहाँ तक कि उनके मनोरंजन के लिए झूले हैं, ये इसकी सवारी का भी, कैमल राइडिंग, इस तरह के बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी ये आयोजन किया गया है। मुझे आशा है कि बड़ी संख्या में सिर्फ फार्मर ही नहीं, उद्यमी ही नहीं, जो शहरी जनता है, बच्चे हैं स्कूल के, वो सब भाग लेंगे। और आपके माध्यम से जो आज चर्चा हो रही है इस मेले के बारे में, आप पब्लिक तक ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।